तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओपी ऑफिशियल पे। तो यार ये वाला गेम तो थ्री वर्सेस स्क्वाड है और हम उतरे पायलट प्लाजा। भाई यहाँ पे तो यार एक भी स्क्वाड नहीं आई। स्क्वाड क्या यार, बॉट भी नहीं आया भाई। पायलट प्लाजा में तो यार सन्नाटा छाया हुआ है। तो यार पायलट प्लाजा लूटने के बाद जब हम लोग अपार्टमेंट के पास से गुजर रहे होते हैं तो यार यहाँ पे दो स्क्वाड आपस में घिरी हुई होती है। तो भैया ये हैं स्टार पाल, और सच में यार ये तो तारे बन गए। अभी आप लोग फाइट का मजा लीजिए, बकवास बाद में करेंगे। जब तक यार एक और को गाड़ी से नॉक ना कर दूं मैं उतरने वाला नहीं। आप इस सामने वाले बंदे को देखो भाई, बंदे का नाम देख लो यार, मतलब इतनी गंदी नाम है यार, क्या बोले इनको। ये लोग क्या सोच समझ के नाम रख देते यार, समझ में नहीं आता। भाई एक स्क्वाड तो यार खत्म हो गई, अब बची दूसरी स्क्वाड जो कि अपार्टमेंट के छत पे होती है। यार ये वाली स्क्वाड तो यार मेरे गाड़ी को बहुत ज्यादा डैमेज दे देती है, इसीलिए इसके साइड में रोककर अब मैं इन पे पुश करने वाला हूँ। अभी मेरा टीममेट बताता है कि एक बंदा नॉक है। तो यार ये बहुत ही अच्छा मौका था आगे बढ़ने का। यहाँ से तो यार दो ही बंदे दिखे भाई, गन की आवाज से ही पता चल गया यार ये VSS चला रहा है। जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं और आगे बढ़ता हूँ। तो यार इस जगह पे आने के बाद मुझे एक बंदा दिखता है छत पे, और उसे देखो यार ग्रेनेड से मैं कैसे नॉक करूंगा। तो यार जैसे ही ये बंदा नॉक होता है मैं रश कर देता हूँ। मुझे लगता है इस अपार्टमेंट में उसका एक ही बंदा और बचा हुआ है, लेकिन आप ही लोग देखो यार क्या होता है। Run. तो यार मैं नॉक होने से बाल बाल बचता हूँ। भाई इनकी कैंपिंग तो यार बहुत ही कमजोर थी, लेकिन यार इनके तीन बंदे नॉक थे, बस एक ही बचा हुआ था। अभी यार उस पे रस करते हैं। जो कपड़ों पे रंग चढ़ा दे उसे रंग रेजा कहते हैं, और जिंदगी पे जो मौत का रंग चढ़ा दे उसे फैंटम कहते हैं। जैसे ही हम लोग इनकी पेटी लूटते हैं तभी नीचे दो बंदे कैंपिंग कर लेते हैं। अभी देखो यार इन कैंपर्स को कैसे मारेंगे। भैया ये दरवाजे के पीछे जो छुपा था ना यार, ये दोनों को नॉक कर देता अगर मैं सही समय पे नहीं आता तो। अभी इनकी पेटी लूटने के बाद अब हम चलते हैं बंदे ढूंढने। जब हम इस जगह पे होते हैं तभी कोई कार्नाइटेड चला रहा होता है। भैया सारे के सारे बंदे आगे सांप बने होते हैं, इसीलिए मैं गाड़ी लेकर अकेले चल पड़ता हूँ। भैया पहली बार में तो यार कोई नॉक नहीं होता है, अब दूसरी ट्रिप लगानी पड़ेगी। तो यार कुछ देर के लिए तो मैं भी चौंक गया था, क्योंकि यार मैंने एक ही को नॉक किया था गाड़ी से। इस बंदे का गन गलत समय पर रिलोड पे चला गया। इसके बाद बचता है आखिरी बंदा, जिससे हम लोग सोचते हैं कि टीम अप करके कुछ मजे किए जाए, और तभी वह मुझे दिख जाता है। तो यार मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, इसने दुश्मनी का हाथ थाम लिया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।